subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं आईटी एक्टिविटीज। तो हमारा जो अमेज़न एफिलिएट का कोर्स है वो कंटिन्यू है और आज है इसका सेशन नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3। और आज हम देखेंगे कि भाई यूट्यूब की जो हमने बाकी सेटिंग जो रहती है उसे कंप्लीट किस तरह करना है, ठीक है। उसके अलावा जो मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो ये कोर्स है ना इसको मैं यहीं तक कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी जो मेंबर्स यही चाह रहे हैं कि भाई यहीं तक कंप्लीट हो जाए। और इसके अलावा एक और बात मैंने आप लोगों को बतानी है कि भाई अमेज़न एफिलिएट की वेबसाइट है उसमें ना काफ़ी स्टूडेंट के पास इशू आ रहा है, ठीक है, बैकअप नहीं हो रहा या छोटे मोटे इशूज़ आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसके मैंने जो वोजोन का लाइसेंस है ना मैंने आप लोगों को फ्री में दिया है, पब्लिक में शो करवाया, तो वो जो स्टार्ट में जिन लोगों ने लगा ली है ना उनके पास प्रॉपर काम कर रहा है, जो बाद में स्टूडेंट लगा रहे हैं उनके पास इशू आ रहे हैं। तो आप लोग इसकी टेंशन ना लें, मैं एक वीडियो बनाऊंगा अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट पे फिर से, ठीक है, और एक ही वीडियो में कंप्लीट वेबसाइट बना के दिखाऊंगा, वो किसी और थीम पे, ठीक है, बैगी थीम पे नहीं। तो इंशाल्लाह ताला वो वीडियो भी आ जाएगी तो फिर आप लोगों की टेंशन भी खत्म हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो आज का जो लेक्चर है आज हम देखते हैं कि भाई यूट्यूब के चलो मतलब के चैनल है इसकी बाकी जो सेटिंग है वो किस तरह करनी है। इसके अलावा जो मतलब के सेटिंग करने के बाद जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, मतलब जो इसकी SEO वगैरह टैक्स वगैरह, ठीक है, और जो एक्सटेंशन है vid.iq उसका भी सेटअप हम आज ही करेंगे ताकि आप लोगों को इन सारी चीज़ों का आदि मतलब के पता चल जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा सारी चीज़ें वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मतलब वीडियो किस तरह अमेज़न की उठानी है, उसे एडिट किस तरह करना है, उसे अपलोड किस तरह करना है, ठीक हो गया फ्रेंड। तो बिना टाइम इसके चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे जो अपना चैनल है उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। और भाई लास्ट में हमने इसकी सेटिंग की थी, ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसकी जो सेटिंग है वो करते हैं। अभी इसकी सेटिंग कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि भाई कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर देना है अगेन। तो फ्रेंड जैसे आप लोग कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे आप लोगों की जो चैनल की सेटिंग है इस तरह शो हो जाएगी। तो इसके बाद सिंपल आप लोगों ने सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में ब्रांडिंग पे किया था, ठीक है, इसके बाद बेसिक इन्फो पे किया था, इसके सारी मतलब कि यहाँ पे सेटिंग कंप्लीट की थी। इसके बाद जो इसका लेआउट है ये हम करेंगे आने वाली, क्योंकि अभी हमारे पास कोई वीडियो नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हैं, 5 या 10 वीडियो अपलोड करेंगे उसके बाद इसकी सेटिंग करेंगे। तो अब आते हैं हम सेटिंग पे। यहाँ पे फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पूछा जा रहा है कि भाई कौन सी करेंसी, तो आप लोगों को इसे छेड़ना नहीं है, ठीक है, US डॉलर पे ही क्लिक रखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं चैनल पे। चैनल पे आना है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो पाकिस्तान से हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ भाई पाकिस्तान, ठीक हो गया फ्रेंड। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये आप लोगों को बोल रहा है कि भाई कीवर्ड्स लगाएं, ठीक है। अब आप लोगों ने चैनल के कीवर्ड लगाने हैं, अब आप लोग किस तरह लगा सकते हैं इसके लिए फ्रेंड आप लोगों ने क्या करना है भाई, यहाँ पर आ जाना है कीवर्ड्स, यहाँ पे सर्च करना है कीवर्ड जनरेट और सर्च कर देना है। इसकी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं वो मैं आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, ठीक है, अभी मैं जस्ट आप लोगों को सिंपल बता रहा हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है भाई अमेज़न प्रोडक्ट्स और उसके बाद सिंपल आप लोगों ने सर्च पे क्लिक कर देना है। तो जैसे फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट होगा पेज और आप लोगों के पास जितने भी मतलब के कीवर्ड्स ये शो करवाएगा वो सारे के सारे आप लोगों के पास शो हो जाएंगे, ठीक है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये सिलेक्ट किए तो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और इन्हें कॉपी कर सकते हैं, आप लोगों के पास कॉपी की ऑप्शन आ रही है, ठीक है फ्रेंड, 229 ये देखें, ठीक है, कॉपी की ऑप्शन आ रही है। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है और कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड। तो मुझे इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हमें चाहिए अमेज़न प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान वाला नहीं चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए अमेज़न प्रोडक्ट्स हंटिंग, अमेज़न प्रोडक्ट्स रिव्यूज़, अमेज़न प्रोडक्ट्स सेल, ठीक है, इसके बाद भाई अमेज़न प्रोडक्ट्स यू नीड टू बाई, अमेज़न प्रोडक्ट्स एड्स, ठीक है, Amazon Products and Services, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया फ्रेंड। तो ये कीवर्ड्स आ गए। उसके बाद है भाई यहाँ पे मैं सर्च करूँगा Amazon Products लिखा था, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा Amazon E-commerce, तो मैंने यहाँ पे भाई सर्च किया Amazon E-commerce, तो यहाँ पे आ गया Amazon E-commerce ट्रेनिंग कोर्स, विचुअल असिस्टेंट, बिजनेस मॉडल, ठीक है, और यहाँ पे हमें चाहिए जो इसकी प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो यहाँ पे अभी हमें शो नहीं हो रही, सिस्टम डिज़ाइन, तो ये हमें नहीं चाहिए इनमें से कोई भी कीबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अमेज़न कैमरा लिख देता हूँ फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे अमेज़न कैमरा,
ठीक है, आप लोगों ने इस तरह डिफरेंट कीवर्ड्स लगा देने, मैं आज सिंपल आप लोगों को यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं तमाम जो प्रोडक्ट्स वो शो हो गई, अमेजोन कैमरा, ठीक है, अमेजोन कैमरा प्राइस, कैमरा गैजेट्स, ठीक है, रिव्यूज़ आ गए, ठीक है, ड्रोन कैमरे आ गए, ऐप आ गए। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने ये चेक कर सकते हैं, आप लोगों ने कुछ यहाँ से कॉपी कर लेने हैं कीवर्ड्स। ठीक हो गया, यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने इनको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिए, अभी आप लोगों के पास कितनी लिमिट है, 500 होने चाहिए। तो आप लोग इसी तरह कोई भी कीवर्ड लगा के बाकी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनको ऐड कर दिया। इसके बाद सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है, कीवर्ड्स हमारे लग चुके हैं, यहाँ पे फीचर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, ये हमारा जो है ये ऑप्शन अनेबल हो चुकी है, और ये कह रहे हैं कि भाई ये ऑप्शन तब अनेबल होगी जब हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे और उस वीडियो की लिमिट जो होगी वो 15 मिनट से ज़्यादा की होगी। ठीक है, और इसके बाद ही फिर हम जो कस्टम थंबनेल है वो लगाएंगे। ठीक है, और लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह की सारी ऑप्शन हमारे पास, फिर ये एलिजिबल होगी। ठीक हो गया, आप लोगों के पास जो लोग कह रहे थे कि भाई हमारे पास वेरीफाई की ऑप्शन नहीं आ रही यहाँ टॉप पे, तो आप लोगों के पास इधर ऑप्शन आ जाएगी। तो सिंपल आप लोगों ने इधर क्लिक कर देना है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में वेरीफाई कर लिया था। इसके बाद आते हैं एडवांस फीचर, और यहाँ पे भाई ये सारे फीचर्स होंगे जो कि जाहिर है कि भाई मोनेटाइजेशन वगैरह की होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बाद में ही आप लोगों के पास ओपन होंगे, पहले ये इनेबल होगी, उसके बाद ये, इसके बाद ये। इसके बाद आ जाते हैं अपलोड डिफ़ॉल्ट पे। यहाँ पे फ्रेंड वो कह रहे हैं कि कोई इस तरह का टाइटल लिखें जो आप लोग चाहते हैं कि हर वक्त शो हो। ठीक है, कोई भी वीडियो आप लोग अपलोड करें तो पहले से ही शो होता हो, तो हमें इस तरह का कोई भी टाइटल नहीं चाहिए। जाहिर है कि टाइटल हर वीडियो का चेंज होता है, तो यहाँ पर आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो जाहिर है कि भाई जो डिस्क्रिप्शन है वो एंड पे आप लोगों ने अपने सोशल जो अकाउंट्स हैं लिंक्स हैं वो लगा देने हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं जाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, आप लोगों का मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईटी एक्टिविटीज़, ये देखें ये वीडियो आ गई। ठीक है, इसके बाद मैं इस वीडियो को प्ले कर देता हूँ। ठीक है, मैंने प्ले किया और इसकी डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। अब फ्रेंड मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ ना, तो मुझे यहाँ से ले कर यहाँ तक ये मैं खुद नहीं लिखता। ठीक है, ये मैंने बस एक बार लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट कर देना, ये देखें मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है अपने चैनल में जाके। ठीक है, अब मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ ना, तो मैं सिर्फ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी, और यहाँ पे जो डाउनलोड लिंक होते हैं वो लगाता हूँ। इसके बाद वाली जो डिटेल है ये हर वीडियो के नीचे आप लोगों को मिलेगी, चाहे आप लोग मेरी कोई और वीडियो अपलोड कर लें। ठीक है, आप लोगों को इसमें सारी डिटेल खुद ऐड नहीं करना पड़ती, हर बार पहले से एक बार ऐड कर दी, आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, लेकिन अभी हमारी कोई वीडियोज़ नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक लगाने हैं। ठीक है, हमारी कोई वीडियोज़ नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पर सोशल लिंक्स लाजिम लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह जो डिटेल है उसे ऐड कर देना है। तो बहरहाल मैं इसे भी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे अभी कोई सोशल पेजेस मैंने इस चैनल के क्रिएट नहीं किए। ठीक है, जाहिर है कि आप लोगों ने भी नहीं किए होंगे। ठीक है, अभी न्यू चैनल है, जैसे क्रिएट कर लेंगे उन तमाम सोशल लिंक्स को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद विजिबिलिटी यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप लोगों ने इससे ये वो है कि भाई आप लोग फॉर एग्जाम्पल वीडियो अपलोड की, वीडियो अपलोड करने के बाद ये आपसे पूछता है कि भाई आप लोगों ने वीडियो को पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है या फिर अनलिस्टेड करना है। तो जाहिर है कि ये हम वीडियो के हिसाब से रखते हैं, तो ये हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी नहीं कर सकते, ये हमारी मर्जी होती है। अगर हम यहाँ से पब्लिक कर देंगे तो जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो डायरेक्ट पब्लिक होती जाएगी, लेकिन हमें पब्लिक कुछ वीडियोज़ नहीं करनी होती, कुछ वीडियोज़ हमें प्राइवेट रखनी होती है, कुछ अनलिस्टेड। ठीक हो गया, इसके बाद यहाँ पर टैक्स आ जाते हैं। ठीक है, अब ये है भाई अपलोड डिफ़ॉल्ट्स, ये है वीडियो के टैग्स। आप लोग जो भी वीडियो अपलोड करेंगे, जो पहले थे यहाँ पे हमने ऐड किए हैं, ये है चैनल के टैग्स, और ये है भाई जो हमारी वीडियो है उसके टैग्स। तो जाहिर है कि भाई यहाँ पे हम सिर्फ 4 या 5 टैग्स लगाएंगे। कौन से लगाएंगे? अमेजोन ई कॉमर्स। ठीक हो गया, इसके बाद जो हमारा चैनल का टैग यहाँ पर आ चुका, इसके बाद जो नेक्स्ट है जो मेन टैग्स वो लगा देंगे, ताकि वो हमें हर वीडियो में अलग से ना लगाने पड़े। अमेजोन प्रोडक्ट्स रिव्यूज़, बेस्ट अमेजोन प्रोडक्ट्स, इसी तरह आप लोग जितने चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं, 500 की लिमिट है। ठीक है, इसके बाद सिंपल आप लोगों ने क्लिक करना है एडवांस सेटिंग में, यहाँ पे आप लोगों ने अलाउ पे ही क्लिक रखना है। ठीक है, लाइसेंस यूट्यूब का ये जाहिर है। ठीक है, कैटेगरी आप लोगों ने यहाँ पे डिफॉल्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन जो टॉप कैटेगरी शो होती है ना वो आप लोगों ने यहाँ पे मतलब के पीपल एंड ब्लॉग, एक ये, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक स्पोर्ट्स।
ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अमेजोन की कोई प्रोडक्ट मतलब के उसकी जो वीडियो वो अपलोड की है और वो वीडियो है भाई कोई स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आप लोगों ने स्पोर्ट्स पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने कोई कैम वगैरह सेलेक्ट किया है कोई टेक्स रिलेटेड, आप लोगों ने टेक्नोलॉजी की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो इसे हम डिफॉल्ट सेटिंग नहीं करेंगे, ये हम अपनी मर्जी से जब भी वीडियो अपलोड किया करेंगे उस वीडियो के हिसाब से जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट किया करेंगे। आप लोगों ने कोई एजुकेशन की जो प्रोडक्ट है अमेजोन की वो अपलोड की है तो आप लोगों ने उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, इस तरह सिंपल है, ठीक है। गेमिंग की प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तो उसकी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वीडियो लैंग्वेज, इसे आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। इसके बाद इसे आप लोगों ने इसी तरह रखना है, उर्दू ना कर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों को पता है अमेजोन की प्रोडक्ट्स है। इसके बाद जो सर्टिफिकेशन, इसे भी नन, ठीक है। इसके बाद टाइटल डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज, इसे भी आप लोगों ने इसी तरह रखना है, ठीक है। कमेंट्स आप लोगों ने भाई सेकंड वाले पे रखना है ताकि कोई लोग नेगेटिव कमेंट ना कर सके, ठीक हो गया। डिसेबल करने हैं कमेंट, डिसेबल पे क्लिक कर सकते हैं आप लोग यहाँ से, ठीक है। तो बहरहाल जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है आप लोगों ने इस पेज को उसी तरह रखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं परमिशंस पे। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों के पास इस तरह शो हो जाएगा कि भाई अगर आप लोग किसी और को एडमिन बनाना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं तो ये वो ऑप्शन है। तो बहरहाल अभी फिलहाल तो चैनल न्यू है, हमें किसी को भी एडमिन नहीं बनाना। अगर आप लोगों को फ्यूचर में बनाना पड़ेगा तो आप लोगों ने सिंपल इन्वाइट पर क्लिक करना है, उस बंदे का ईमेल आईडी लिखना है और यहाँ पर सेलेक्ट करना है भाई आप लोग उसे एडिटर बनाना चाहते हैं या फिर एडिटर बना के उसे एक लिमिट देना चाहते हैं या फिर सबटाइटल एडिटर बनाना चाहते हैं, व्यूअर बनाना चाहते हैं या फिर व्यूअर बना के एक लिमिट देना चाहते हैं या फिर मैनेजर बनाना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे सारी की सारी सेटिंग चेक कर सकते हैं। नीचे लिखा भी हुआ है कि भाई उस अगर आप लोग उसे मैनेजर बनाते हैं तो कौन कौन सी परमिशन उसके पास जाएंगी, अगर आप लोग उसे एडिटर बनाते हैं तो कौन कौन सी परमिशन जाएंगी, ठीक हो गया फ्रेंड। तो आप लोग यहाँ पे फ्यूचर में कर सकते हैं, बहरहाल अभी स्टार्ट में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं कम्युनिटी में। यहाँ पर आने के बाद मॉडरेटर, अप्रूव्ड यूज़र्स, ठीक है, हाइड यूज़र्स, ठीक है, ये सारी ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई कोई इस तरह के वल्गर वर्ड्स वगैरह हैं जो आप लोग उन्हें ब्लॉक करना चाहते हैं आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं आपके चैनल के नीचे आके कोई बंदा अपनी एडवर्टाइजिंग ना करे, अपना लिंक्स अपलोड ना करे, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिंक्स को अपलोड कर देना है, मतलब कि ब्लॉक कर देना है। तो ये अच्छी ऑप्शन है, इसे आप लोगों ने चेक लाजिम करना है, ठीक है, ताकि जिस तरह के फेसबुक ग्रुप्स में होता है कोई बंदे ने अपनी प्रोडक्ट की वो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो नीचे दूसरे आगे अपने लिंक शेयर करने लग जाते हैं, तो इस तरह आप लोगों की यूट्यूब की वीडियोज़ में कोई भी आगे कमेंट सेक्शन में अपना लिंक पोस्ट नहीं कर सकेगा, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने इसे चेक कर देना है, बाकी सेटिंग को भी छोड़ देना है। इसके बाद आते हैं डिफ़ॉल्ट पे। यहाँ पे वही कमेंट की सेटिंग आ जाएगी, ठीक है, तो आप लोगों ने इसे डिफ़ॉल्ट ही रखना है। इसके बाद आते हैं एग्रीमेंट्स पे। यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपल सेव पे अब क्लिक कर देना है। तो जो हमारी सेटिंग थी आज की सारी सेव हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड। तो अब जो हमारी इंटरमीडिएट लेवल पे सेटिंग थी, बेसिक सेटिंग भी कर ले, इंटरमीडिएट लेवल पे भी कर ले, अब आएगी एडवांस लेवल पे सेटिंग, ठीक है, वो हम करेंगे आने वाले लेक्चर में क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी 12-13 मिनट का हो चुका है, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मुझे इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफिज़।